पुलित होंगे, आनंदित होंगे। हम यहाँ आनंद पाने के लिए बैठे हैं। एक कुमार ने माटी का लौंदा लिया और चाक पर रख दिया, चाक को घुमा दिया तो कुछ आकृति सी बन गई, लेकिन कुमार का विचार बदल गया। कुमार ने वो माटी को हटाया और अब की बार दूसरा लौंदा लेकर माटी का अब कुछ और आकृति बनाई, तो जैसे आकृति बनकर तैयार हुई तो अब सुराही बन गई। सुराही माटी ने कुम्हार से पूछा, पहले तुम मुझे क्या बना रहे थे और अब तुमने सुराही कैसे बना दिया? तो इस कुम्हार ने कहा कि पहले मैं तुम्हें चिलम बना रहा था, मेरा विचार बदला तो मैंने सुराही बना दी। माटी कहती है, तुम्हारा तो केवल विचार बदला, मेरा तो जीवन बदल गया। तुम चिलम बना देते तो मैं भी सुलगती रहती, मैं भी जलती रहती और जो मेरे सानिध्य में मेरे पास आता वो भी जलता ही रहता, पर तुमने सुराही बना दी है, इस सुराही में शीतल जल रहेगा, अब मैं भी शीतल रहूंगी और जो मेरे पास आएगा वो भी शीतल ही रहेगा। इसलिए चिलम की तरह सुलगो मत, उस द्वेष को सुलगाने का कार्य मत करने दो, अंदर द्वेष मत पालो, सुराही की तरह शीतल बनो, मीठे बनो, सौम्य बनो, शांत बनो, जो तुम्हारे सानिध्य में आए वो मुस्कुराता हुआ जाए, ना कि क्रोध करता हुआ जाए, क्योंकि जिसके पास जो होता है वही तो बांटता है। प्रेम है तो प्रेम बांटोगे, ईर्ष्या है तो ईर्ष्या बांटोगे, जो है माताएं वही चर्चा करती हैं, उनके पास कोई चर्चा नहीं होती तो वो कहती हैं आज शॉपिंग करने गए, आज इतनी साड़ियां खरीद के लाए, आज वो साड़ी हमने उसको दे दी, उसकी साड़ी बहुत अच्छी, उसके गहने ज़्यादा अच्छे, और कोई चर्चा नहीं है तो वही चर्चा है।